अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अटेंडेंस ले लेते हैं अभी, तो फिर सेशन करते हैं स्टार्ट। ओके सर। एस एन फियाज प्रेजेंट सर। ठीक है जी। एस एन इस्लाम प्रेजेंट सर। ठीक है। अली ज़ेबराना प्रेजेंट सर। ठीक है। एसन इस्लाम और क्या कहूँ आपको। ठीक। अलीजा असद कौन सदात कौन सदात। अवैस मुनीर ठीक। दानिश कुदरतुल्ला दानिश कुदरतुल्ला हाफिज आदिल मसूद हाफिज आदिल मसूद इब्तिसाम अजीज आकिब रियाज आकिब रियाज मोहम्मद असद मेहदी मोहम्मद असद मेहदी मोहम्मद दाऊद मंसूर दाऊद मंसूर मोहम्मद फारूक यस सर। ठीक। मोहम्मद तलहा रियाज यस प्रेजेंट सर। ठीक। मुजम्मिल इरफान प्रेजेंट सर। ठीक है। शहबाज बिन जावेद यस सर। जैन आबिद यस सर। सुलेखा नवीद प्रेजेंट। ठीक। और कोई जिसने अटेंडेंस के दौरान ज्वाइन किया। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ड्यूरिंग द अटेंडेंस ज्वाइन किया। चैलेंज ठीक। ओके जी। मैं भी आपके साथ मैनुअल शेयर करता हूँ। हम लैब स्टार्ट करते हैं और उसके बाद स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू जो वाई वाई वो मैं कंडक्ट करूँगा। ओके जी। जो अभी हमने लैब डिस्कस करनी है दैट इज़ सिमुलिंक मॉडल ऑफ डीसी मोटर है। ठीक है। उसकी हम मॉडलिंग करेंगे और उसकी स्पीड को कंट्रोल करेंगे, जैसे हमने लैब नंबर 3 के अंदर जो है वो डीसी मोटर का ट्रांसफ़र फंक्शन लिखा था और LTAVU के कमांड के थ्रू हमने ऑब्जर्व किया था, जिसमें सेटलिंग राइज या पीक टाइम वगैरह हमारे पास क्या। ठीक है। जिसमें हमारे पास डी थीटा बाई डी टी थी, स्पीड थी। ठीक है। और उसको हमने इम्प्लीमेंट किया था और देन LTAVU की कमांड यूज़ की थी। सो आई होप सो कि आपके माइंड में वो पूरा एक सिनेरियो बन चुका होगा कि मोटर हमारे पास इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है। जस्ट क्या है कि उसी लैब को हमने सिमुलिंक के अंदर ठीक है और
लैब जब खूब आपने परफॉर्म की थी तो आपको पता है कि सिंपल जो मैट लैब के अंदर कमांड विंडो के ऊपर या एम फाइल के ऊपर जो आप कमांड्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, वो थ्रू कोडिंग आप कर रहे होते हैं और सिमुलिंग मॉडल के अंदर आपके पास ऑलरेडी बिल्ट इन ब्लॉक्स मौजूद हैं, आप उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उनको आप यूज़ करते हैं। सो सेम सिनेरियो जैसे हमने लैब टू में सिमुलिंग मॉडलिंग की थी वैसे हम इधर करेंगे। जैसे हमने लैब थ्री में मोटर की स्पीड कंट्रोल से रिलेटेड इक्वेशंस को कुछ कंपोनेंट्स को देखा था, वही काम हम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, हमारे सामने उसी तरह लैब थ्री की जो एक डायग्राम जो हमने यूज़ की थी वैसी ही आपको नज़र आ रही है, वही चीज़ है। जी कमेंट करें ज़रा इस। यस सर, उसी तरह की सो उसी तरह कुछ कॉन्स्टेंट्स वगैरह जो कि आपने लिए हुए हैं, ये उसी तरह कुछ इक्वेशंस हैं जो कि हमारे सामने आ रही। उस वक्त आपने काम किया था वो ट्रांसफर फंक्शन आपके पास किस तरह से आया था, ये मेरा वैसे क्वेश्चन है कि जो आपने स्पीड का ट्रांसफर फंक्शन लिखा था वो आपके पास कैसे आया था, एक रफ सा आइडिया कोई। हम क्या बोल रहे हैं जी, उसके इंटीग्रेटर यूज किया था, इंटीग्रेटर ब्लॉक इंटीग्रेटर यूज किया था मोटर के ट्रांसफर फंक्शन के लिए, इंटीग्रेटर यूज किया था। सर उसके लिए तो हमने वो फॉर्मूलाज यूज किए थे और उसके बाद फीडबैक की कमांड्स वगैरह यूज की थी। क्या यूज किया था हमने, फीडबैक की कमांड आपने लैब थ्री में यूज की? नहीं सर, लैब थ्री में यूज नहीं किया, लैब सेवन में यूज किया। लैब सेवन का किसी ने नाम लिया? नहीं नहीं सर। आप लोगों ने भी मुझे वाइवा भी देना है तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं आप लोगों के। पहले किसने कमेंट किया था इससे पहले? वैस ने किया था, किसने किया था? सर मैंने कमेंट किया था, मेरे से मिस्टेक हो। थोड़ा सा रोजे हैं, अच्छी शुरुआत करें, कोई हालात ठीक नहीं लग रहे। तो जब आप लोगों को आइडिया नहीं है तो आप लोगों ने आज मुझे स्क्रीन शेयर करके क्या दिखाना है, आपने ये बताना है कि आजादी चौक कैसे अपग्रेड हुआ है, क्या आपसे मैं कुछ ना कुछ पूछूंगा तो सही, ऑब्वियसली क्या ख्याल है? तो आप तो ऑलमोस्ट ब्लैंक है। मैं जिसने आज वाइवा भी नहीं देना, मेरे जहन में चीज़ें हैं कि ये चीज़ें थी, क्योंकि मैं कोई रट्टा लगा के थोड़े फिर रहा हूँ, क्या ख्याल है? मैं तो जो पेपर देने थे दे लिए, मेरी तो अब और नेचर है। सो मुझे थोड़ा थोड़ा चीज़ों का आइडिया है कि हमने क्या कवर किया था और क्या उस पर किया था, और आप जो कि एवेल्युएशन मोड के अंदर हैं आपसे वक्तन फ़वक्तन चीज़ें पूछी जाएंगी, आपकी पार्टिसिपेशन एक रोल प्ले कर सकती है। सो आप लोगों को आइडिया नहीं है कि आपने क्या काम किया हुआ क्या नहीं किया हुआ, और रोज़े में मैं बहस तो कर नहीं सकता, मैं तो भी वाइवा लूँगा तो उसमें वो सारी जो चीज़ें हैं जब मेंशन करूँगा तो फिर वो मामला, क्योंकि इतनी एनर्जी तो नहीं होती कि हर पॉइंट के ऊपर बहस की जाए। अच्छा जी, और हमने वहाँ पर क्या किया था कि हमने ये पढ़ा था
कि न्यूटन लॉज और जो आपके पास इलेक्ट्रिकल लॉज हैं उनके थ्रू आपने इक्वेशंस जो थी वो लिखी थी, और फर्दर उसमें स्पीड को आपने जो है वो मेंशन किया था एज अ ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि आपको पता था कि आपको डी थीटा बाय डी टी चाहिए और वो आपके पास स्पीड थी मोटर के अंदर, दो चीज़ें थी, सो इलेक्ट्रिकल साइड पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पे मैकेनिकल। अब इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि मुझे बाकियों का नहीं पता, मेरी नेचर ऐसी कि मैं जब डिटेल में चीज़ बताता हूँ जब मुझे सही पार्टिसिपेशन ही मिलती तो अभी मुझे पता है कि मैंने अगला पूरा लेक्चर कैसे गुजारना है, मेरा बिल्कुल भी नहीं दिल करता कि मैं आगे कोई कमेंट करूँ वहाँ पे फुल स्टॉप लगा के मीटिंग को, या बंदा लेक्चर कंड करके इनको कहे कि हैव अ फन प्लीज, अटेंडेंस लग गई है, लैब्स होती रहेंगी, ठीक है। सो आगे बहुत मुश्किल से मैंने वो वक्त गुजारना होता है, वो मुझे अब पता है कि मैंने ये कैसे हजम करना है, इतना बिल्कुल एक सिंपल सी जो चीज़ है उसका आइडिया नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ सुन तो रहा नहीं है कि आप साबित करें ये करें वो करें। मैंने आपको कहा कि आप मुझे रफ सा आइडिया दें, आप में से कोई फीडबैक लगाने लग गया, कोई कुछ और करने लग गया, सो जब फिर मार्क सकते हैं तो ये तो होती है कि 10 के 10 ही आपको मिल जाएं, बल्कि 10 में से 12 मिल जाएं, 2 बोलने के मिल जाएं, लिखाई के मिल जाएं, 100 में से 200 नंबर आपको मिल रहे हैं। हमने वहाँ पे ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिकल साइड पे इलेक्ट्रिकल लॉज लगती हैं और मैकेनिकल साइड पे मैकेनिकल लॉज लगती हैं। ये आपके पास इलेक्ट्रिकल साइड के आप लॉज लगाएंगे और ये मैकेनिकल साइड के लॉज लगाएंगे, ठीक है। सो उन लॉज के अकॉर्डिंगली अब आपने थ्योरी के अंदर पढ़ लिया होगा कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस या इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस आ रही होती है, सो आपको पता है कि आप ओम लॉ के अकॉर्डिंगली या केवीएल केसीएल के अकॉर्डिंगली उनको कैसे डील करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ठीक है। सो ये जो दो इक्वेशंस हैं वो इलेक्ट्रिकल की लिखी गई हैं, और इलेक्ट्रिकल से हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस इलेक्ट्रिकल की, फिर आपने जब मैकेनिकल सिस्टम पढ़ा तो उसके अंदर कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी, मैकेनिकल के अंदर इनर्शिया आ रहा होता और आपको पता है कि इसके साथ आप एस की क्या पावर यूज़ करने जा रहे हैं, फिर इसी तरह आपके पास डैम्पिंग का कांस्टेंट है, डिपेंड करता है कि बुक वाला क्या सिंबल यूज़ करा, माइट भी उसके लिए आपने बी का जो सिंबल है वो यूज़ किया, इसी तरह आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट हो सकता है, उसके लिए आपने के का सिंबल यूज़ किया, और आप लोगों को आइडिया है कि किसके साथ डबल डेरिवेटिव आएगा, किसके साथ सिंगल डेरिवेटिव आएगा, सो इस तरह से आपने मैकेनिकल जो पोर्शन है उसको डिस्कस किया होगा यकीनन, ठीक है। और वहाँ पर भी हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन बन रही होती है, ठीक है, आपने न्यूमेरिकल भी यकीनन किए होंगे, ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल के सिस्टम का। सो सेम उसी तरह हमारे पास फ़िलहाल दो जो टॉप की इक्वेशंस एंड फील्स लाइक अ मैकेनिकल, और जो दो बॉटम में इक्वेशंस आपको नज़र आ रही दैट फील्स लाइक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कम्बिनेशन ही आपके पास जो है वो एक मोटर को डिस्क्राइब कर रहा होता है। हम मोटर की स्पीड में इंटरेस्टेड होते हैं और इनपुट साइड पे उसके वोल्टेजेस में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक। सो आपके ख्याल में, मैं ये स्क्रीन को क्लियर करने लगा, सो आपके ख्याल में यहाँ पर स्पीड को जब देखना होगा, जब स्पीड को कैलकुलेट करना होगा, तो इन इक्वेशंस में से कौन सा फैक्टर जो है उसको आप एक साइड पर रखेंगे और बाकी पूरी इक्वेशन को आप एक साइड पर रख लेंगे, क्योंकि स्पीड आपने देखनी है,
स्क्वायर थीटा ओवर डी टी डी स्क्वायर एक मेरे पास कमेंट आया डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी तो ये इसको जो मैंने सर्कल किया ये क्या चीज है वैसे ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी बाकियों से भी जी सेम क्वेश्चन है कि हम स्पीड में इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर हम सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये जिसको मैंने सर्कल किया हुआ ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हाँ जी एस एन फयाज स्पीड क्वेश्चन आप सबने सुन लिया रिस्पॉन्ड करें आवाज कोई नहीं मुझे आई एस एन फयाज कैसन इस्लाम स्पीड में मैं इंटरेस्टेड हूँ क्या करूँ मैं सर अगर आवाज आ रही बिल्कुल आ रही सर अगर हम स्पीड में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे पास जो फैक्टर इम्पोर्टेंट है तो यही है सर डी स्क्वायर थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो इससे स्पीड का कंपोनेंट जो है ना डिपेंड करता है स्पीड होती क्या जी मुझे इसके कहना जा रहा है सही एंगुलर वेलोसिटी है हमारी अच्छा ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी है ठीक लीजिए क्वेश्चन आप लोग सुन ही रहे हैं हाँ जी प्लीज असद जी सर सर क्या बताने ये बताना है कि स्पीड कैलकुलेट करनी है और हम इसमें कौन से फैक्टर में इंटरेस्टेड है नेक्स्ट टाइम से ना क्वेश्चन ना रिपीट करना पड़े आपको क्लास में जब सुन रहे हैं तीन चार सर यही हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगुलर वेलोसिटी है सर इसको डिवाइड कर देने टाइम इंटरवल जी इब्तिसाम यस सर यस सर नहीं जवाब देना क्वेश्चन जो चल रहा है उसको और पहली फुर्सत में ना माइक भी बदल लें जरा मोहम्मद फारूक जी करें जवाब दें मोहम्मद फारूक सर एंगुलर एक्सेलरेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन हम स्पीड में इंटरेस्टेड होंगे सो मैं कौन सा फैक्टर जो है उसमें दिलचस्पी लूं यहां पर सर ये डी स्क्वायर थीटा और डी टी स्क्वायर मिलर फॉर्म जी सर यस सर ये मैकेनिकल वाली इक्वेशन जो डी स्क्वायर थीटा ओवर डी मोटर की है मुझे स्पीड चाहिए तो मैं स्पीड को कौन सी चीज जाहिर कर रही है सर ये डी स्क्वायर थीटा ओवर डी टी स्क्वायर शहबाज बिन जावेद जी सर स्पीड को कौन सी चीज जाहिर करेगी या कर रही है सर ये डी स्क्वायर थीटा तला जी सर अगर आप स्पीड में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्टेंस और टाइम को देखेंगे तो इसमें डिस्टेंस और टाइम क्या है D square theta or D square? सही
अब ये जो जवाब है आपके, ये भी किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, यकीन करें। अगर मैं इस बेस पे आपकी परफॉर्मेंस के लगाऊं तो आप जितने लोगों से मैंने पूछा है इसमें सब के जो है ना वो लेस देन 5 मार्क्स हैं, पासिंग भी आपके लोगों के नहीं बनते इसमें, जो अभी तक एक दो चीज़ें मैंने आपसे पूछी हैं। भैया आपने इस चीज़ को मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा, इस चीज़ को आपने FSC के अंदर भी पढ़ा, यहाँ पर भी कोई एक आध आप अप्लाइड फिज़िक्स का कोई कोर्स पढ़ लेते होते हैं और फिर आप इस मुकाम तक आ रहे हैं। जब आप डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव लेते हैं वो तो एक्सेलरेशन होता है, या आप लोगों ने ये कह दें कि चॉइस पे छोड़ा हुआ था, क्योंकि लेम एक्सक्यूजेस तो काफ़ी सारे हैं, ये लेवल है, ये आप मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं। एक पहले आपने मोटिवेट किया है, कब कर रहे हैं, तो कम से कम कोई एक बंदा तो सही बताए ना, लकीर के फकीर हैं, एक स्टार्ट में सर्कल किया हुआ है, भाग भाग के आ रहे हैं। आप स्पीड जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम है, चाहे उसको आप डिस्टेंस ओवर टाइम कह लें, मैं डायरेक्शन की सेंस में नहीं जाना चाह रहा कि स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। सो डी थीटा बाय डीटी में आप इंटरेस्टेड होंगे, वो आपके पास स्पीड होती है, या थीटा का जो डॉट होता है वो आपके पास स्पीड होती है। सो जब आप वहाँ पर कर रहे थे लैब नंबर 3 को, जब आपने रीड आउट किया होगा तो आपने क्या उसमें काम किया है? मैं जो घंटा घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा एक लैब के ऊपर लगा के आपको बताता हूँ, जो कि वही चीज़ 10-15 मिनट में भी डिस्क्लोज हो सकती है, उतनी डिटेल के अंदर बताता हूँ, और आपको बुनियादी कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। सो जब मैं नंबर लगाऊंगा तो आपने अपने ये जवाबात अपने जेन में रखने हैं, आपके दो दो तीन तीन भी नहीं बनते, ठीक है। ख्वाहिशें तो है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन आपने अपना इलम भी अपने जेन में रखना है, जो आप गुल खिला के बता रहे हैं वो भी आपके जेन में होना चाहिए। आप बिल्कुल बदर नहीं करते कि एक बंदा उस पर एफर्ट पुट कर रहा है, ये आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपसे कोई पूछ ले ठीक है, और ये आपकी हरकतें हैं, ठीक है। आपको इस तरह की मैं लैब करवाता हूँ, ये डी थीटा वाले जो सारे भाई हैं, ये डी स्केयर थीटे वाले, ये आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, और ये नॉलेज मैं आपके अंदर इस तरह का ब्लैंक और फेक नॉलेज ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। कोई शर्म करें, कोई थोड़ी हया करें, कोई थोड़ा, आप इसके लिए पे कर रहे हैं, आप एक क्वार्टर की लाख लाख रुपया फीस पे करते हैं, और आप इसको क्या बनाई जा रहे हैं? आपको मैंने फिजिकली, आपने मेरे से मल्टीपल कोर्सेज पढ़े हैं, मैंने आपको कई दफ़ा कहा कि देर आर बंडल ऑफ यूनिवर्सिटीज विद इन द लाहौर, और उनके ग्रेजुएट्स और एक बल्क में चीज़ें जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही है, और नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं वो बहुत मिनिमम हैं। सो आप क्या लेवल लेके वहाँ पे जा रहे हैं? आपको गलत चीज़ के साथ हर दफ़ा मैं मोटिवेट करता रहूं, आप स्पीड को एक्सेलरेशन बनाते रहें और एक्सेलरेशन को आप स्पीड बनाते रहें, तो आपको मैं पंप करता रहूं, आप मैं हवा भरता रहूं कि आप अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप बहुत तरक्की करने वाले हैं जल्द, नेक्स्ट टाइम से जो है ना वो चीज़ें या तो पढ़ना शुरू कर दें या मीटिंग ना ज्वाइन किया करें, ठीक है। मुझे वैसे एक दिन बता दें कि हम आवाज़ आ रहे हैं, हमसे स्टडी नहीं होती, ठीक है। सो कोई जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। हम जो चीज़ है, जो स्पीड होती है, दैट इज़ डी थीटा बाय डीटी, सेम चीज़ ये थीटा डॉट वाली, डी थीटा बाय डीटी वाली, मैं आपको लैब नंबर 3 में बता के आ चुका हूँ कि जी स्पीड क्या होती है और क्यों उसने वो इक्वेशन लिखी हुई, और माइट भी वहाँ पे करेक्शन भी करवाई थी कि मैनुअल के अंदर कोई एक आध किसी जगह पे यूनिट शायद गलत था, वहाँ पे यूनिट पे थोड़ी सी करेक्शन करवाई थी आपसे एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। सो स्पीड जो है, सो हमारे पास कुछ इक्वेशंस मौजूद हैं, हम अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, मैं अगर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ इन सम सेंस, तो मैं अगर इसका एक इंटीग्रेटर ले लूँ, अगर इसको मैं वन टाइम इंटीग्रेट करूँ, तो ये क्या बन जाएगा? डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा।
अगर मैं इसको वन टाइम इंटीग्रेट करूं, और इंटीग्रेटर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है जी, वन ओवर एस, ठीक है। अगर मैं इस चीज़ को इंटीग्रेटर में से गुजारूं तो ये मुझे स्पीड दे देगी। इसको एक दफ़ा मैं और इंटीग्रेटर में से गुजारूं तो क्या बचेगा फिर, एक्सेलरेशन को मैंने इंटीग्रेटर से गुजारा है और मेरे पास स्पीड आ गई है, सो इसको मैं एक दफ़ा और अगर इंटीग्रेटर से गुजार दूँ स्पीड को, तो फिर मेरे पास क्या आएगा जी, ऊंचा बोलिए थोड़ा जी, कांस्टेंट आ जाना चाहिए। क्या कांस्टेंट होगा, बस अब रहने दे यार, मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन करें मतलब मैं तो शर्मिंदा होता हूँ आप लोगों से क्वेश्चन पूछ के। मैं नेक्स्ट टाइम से जो है ना वो क्वेश्चन पूछने ही छोड़ दूंगा। जब आप एक्सेलरेशन के अंदर किस चीज़ का डबल डेरिवेटिव है, डिस्प्लेसमेंट का। एक दफ़ा आपने इंटीग्रेटर लिया तो डिस्प्लेसमेंट का एक डेरिवेटिव रहेगा, दैट इज स्पीड। एक दफ़ा और इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जस्ट डिस्प्लेसमेंट रह जाएगा या डिस्टेंस रह जाएगा, उसके से डी बाई डी टी खत्म हो जाएगा। अभी आप चैप्टर नंबर टू और थ्री आपने एफ एस सी के अंदर पार्ट टू के अंदर पढ़ा, फिर आपने तीन चार कैलकुलस टाइप कुछ चीज़ें पढ़ी हैं यहाँ पर, कमाल है यार। सो इस चीज़ को वो इम्प्लीमेंट करेगा और जो है ना वो सिंगल डेरिवेटिव आपको चाहिए, ये डबल डेरिवेटिव है तो कुछ ज़रूरत पड़ने पर इसको वो इंटीग्रेटर में से पास ऑन करेगा। अब हम सिमुलिंग में क्या काम करेंगे कि लट से आपने वोल्टेज अप्लाई कर दिया या आर आई अगर बनाना है, सपोज अगर मेरे पास आई है, ठीक है, सो मैं अगर इसे किसी ब्लॉक में से गुजार दूं जो कि आर का ब्लॉक है, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट के तौर पे मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये मेरे पास आई है और कोई ब्लॉक है जिसमें से गुजारा मैंने, उसका गेन जो है वो आर है, ठीक है, तो मेरे मुझे आउटपुट क्या मिलेगी, गेन का आपको फॉर्मूला पता होता है तो उस सेंस में आपके पास आउटपुट क्या आएगी यहाँ पे, ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास गेन है, और व्हाट विल बी द आउटपुट, जी इतना यार मेरे पास टाइम नहीं है लाडियां करने का, आप लोग थोड़ा क्विकली मुझे रिस्पॉन्ड करें, मैंने काफी कुछ करना है, आता नहीं आता वो तो आइडिया हो रहा है लेकिन मजबूरी है, क्लास की मजबूरी होती है, थोड़ी बहुत इंट्रैक्शन करनी पड़ती है। क्लास एंड कर दूं, आवाज एसएम सलाम कोई नहीं आती, ठीक है, पहले भी एक दो दफा आपको क्या माइक खोल देते हैं आप लोग। और जी यहाँ पे 13 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ, तो किसी को ये नहीं आइडिया कि गेन क्या होता है और आउटपुट इसके अगर मैं देखूं तो क्या आएगी मेरे पास, व्हाट इज गेन, गेन होता है सर आउटपुट ओवर इनपुट, तो व्हाट विल बी द आउटपुट, जी इसकी आउटपुट क्या होगी,
यार अब यकीन माने आप लोगों को ना कख पता नहीं है, आपका जो भी ग्रेड आए ना वो आप उसमें नफल पढ़ते जाइएगा ठीक है, जब किसी का जो जो भी लगा हो ना, अदरवाइज फेलियर वाली कंडीशन। गेन जब आउटपुट ओवर इनपुट है तो जब आप इनपुट उसको आई अप्लाई कर रहे हैं, गेन उसको आप आर दे रहे हैं, तो आपके पास आउटपुट आई आर होगी, और यही बेसिकली आपके पास ट्रांसफर फंक्शन की भी यही लॉजिक है कि ट्रांसफर फंक्शन जो होता है जब आप आउटपुट लेते हैं तो आउटपुट इनपुट इनटू ट्रांसफर फंक्शन होती है। या ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। सो आप लोग अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं तो वहां पे तो आपके पास पूरी डबल ई से रिलेटेड वो पेपर लेते हैं, और वो पूरा गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर पूरा जो है वो 100 मार्क्स का पेपर होता है, और उसमें सब्जेक्टिव और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या अब आप अपने आप को धोखे में रख रहे हैं आप लोग? सो अगर मैंने आर आई बनाना हो उसी सेंस में बना सकता हूँ, अगर मुझे के डी थीटा बाय डी टी बनाना हो तो मैं उसी तरह भी बना सकता हूँ कि अगर लेट से मेरे पास डी थीटा बाय डी टी हो ठीक है, उसको मैं एक ब्लॉक में से गुजारूँ जो कि मेरे पास के वाला है ठीक है, और देन इस पे। अच्छा अब इसमें ये है कि आपकी लैब के फौरन बाद ना मेरा एक थेरी का लेक्चर भी होता है ठीक है, तो ख़ास करके रमज़ान के अंदर आप थोड़ा रिव्यू करके आया करें लैब्स वगैरह को, और मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं हूँ ठीक है, मैं इतनी बहस या इस तरह से काम नहीं कर सकता ठीक है, कि ये बिल्कुल आपको ज़ीरो नॉलेज है और मैं आपको हर एक चीज़ बताता जा रहा हूँ, पुरानी पूछूँ वो भी नहीं आती, नहीं पूछ कोई चीज़ किसी किस्म की मैथ से पूछ लूँ वो नहीं आइडिया, सर्किट से पूछ लूँ वो नहीं आइडिया, को फिजिक्स से बात कर दो वो नहीं आइडिया, तो विदाउट क्वेश्चनिंग या विदाउट क्रॉस कम्युनिकेशन तो नहीं लेक्चर चलते होते ना। ये मैं कोई रेडियो पे तो नहीं आया हुआ कि मैं धड़ाधड़ बोलता जाऊं और आप लोग ज़ीरो लेवल पे बैठे हैं, और इतना अच्छा भी बताने का क्या क्या उसका आपने मुझे रिजल्ट दे रहे हैं, मगर मैं कोई प्रीवियस चीज़ पूछता हूं तो वो भी नहीं आती। तो आप लोग सारे ठीक हो जाएं, अदरवाइज आप लोग खसारे में हैं, बड़ा ना जेन्युइन किस्म का फ्लॉज हैं आप लोगों में, आप अपने आप को ना इम्प्रूव कर लें तो बहुत बेहतरी होगी ठीक है, ये इस तरह नहीं काम चलना। सो अगर मैं इस चीज़ को करना चाहूँ तो ये मेरे पास इनपुट है डी थीटा बाय डी टी, और उसके अंदर गेन मेरे पास के है, सो गेन मेरे पास आउटपुट क्या होगी के डी थीटा बाय डी टी ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर मुझे ये वाली चीज़ लेनी हो तो वो भी मैं निकाल सकता हूँ आर आई, और अगर ये पूरी इक्वेशंस को मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ, ये जो पूरी इक्वेशन है उसको अगर मैं इम्प्लीमेंट कर लूँ और उसको मैं एक ब्लॉक में से गुजार दूँ, वो ब्लॉक अगर मेरे पास है 1/L ठीक है, सो ये मेरे पास सारी जो चीज़ें हैं वो बन सकती हैं। सो हम देखते हैं कि 1/1 उसने किस तरह से चीज़ों को बिल्डअप किया हुआ है। और ये जो आपके पास पूरी इक्वेशन है उसमें चीज़ें ऐड या माइनस हो रही हैं ठीक है, सो ये एडर का काम है कि इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दे, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर आप माइनस का सिंबल यूज़ कर ले, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस का सिंबल यूज़ कर ले, और जहाँ पे चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको किसी ब्लॉक में से गुजार दें, तो आपको पता है कि ब्लॉक में जब गुजरेगी तो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती है, क्योंकि जो भी ब्लॉक है उसका कोई ना कोई गेन होगा, तो आउटपुट क्या होगी इनपुट इनटू गेन, तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगी। इस इक्वेशन को भी अगर आपको करना है तो इसके अंदर जो एडर लगेगा उसकी दो इनपुट्स होंगी, एक के साथ प्लस का साइन एक के साथ माइनस का, इसमें जो एडर लगेगा उसकी तीन होंगी, ये चीज़ें 1/J से मल्टीप्लाई हो रही हैं 1/L से। अच्छा जी, सो अब उसने ये जो ऑर्डर लगाया हुआ इसके अंदर वो अपनी तीन चीज़ें जो है वो लाएगा, जिसमें आपका वोल्टेज है, जिसमें आ रही है, और जिसमें के डी थीटा बाय डी टी है, फिर उसके बाद क्या है कि वो उस चीज़ को 1/L से गुजारेगी,
जो कि इंडक्टेंस है, और वो इक्वेशन में किस चीज़ की इक्वल थी, डी आई बाई डी टी से, यानी कि करंट का डेरिवेटिव है। ठीक है, ये आपके पास चीज़ है। अब मैं अगर उसको देखूं, सो जब उसके पास करंट का डेरिवेटिव आया हुआ है और उसको सिर्फ आई चाहिए, तो ये आई का डेरिवेटिव, अगर उसे आई चाहिए तो वो इंटीग्रेटर से गुजार दे, आपके पास सिंपल आई रह जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास क्या आपको मेरा करंट है, सो इसी आई को जब आप आर से गुजारेंगे तो क्या आपको दे रहा होगा, ये आपको आई आर दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरह आपने एक वोल्टेज उसको दे दिया। ठीक है, और इसी तरह आपने के डी थीटा बाय डी टी उसको देना, तो अभी देखते हैं कि ये डी थीटा बाय डी टी कैसे बन गया। सो डी थीटा बाय डी टी को जो है उसने एक गेन में से गुजार दिया, तो आपके पास बन गया के डी थीटा बाय डी टी। अब जिनके साथ नेगेटिव है वहाँ पर नेगेटिव लगा दें, जिनके साथ पॉजिटिव है पॉजिटिव लगा दें। आप एडर लगाएंगे तो आप एडर को उसके सिम्बल्स को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको चीज़ें प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं अरिथमेटिक के अंदर। सो जब आप उसके वन ओवर एल से गुजारेंगे वो आपके पास डी आई बाई डी टी बन जाएगा। तो ये कौन सी इक्वेशन को आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल वाली, उसको आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ये वाली। ठीक है, के आर आई और वी और के डी थीटा बाई डी टी, और उसको वन ओवर एल से गुजारा है, तो वो डी आई बाई डी टी आ रहा है। जहाँ पर आपको करंट चाहिए वहाँ पर आप उसको इंटीग्रेटर से गुजार के ये वाला करंट ले लेंगे। अब इसमें एक चीज़ जो जिसका नहीं आइडिया, डी थीटा बाय डी टी कैसे वो नीचे से लेके आ रहा है, उस पर भी मैंने कमेंट नहीं किया, वो आपसे इस मैकेनिकल वाली इक्वेशन से बनेंगे, उस पर भी अभी ज़रा बात कर लेते हैं। सो आप लोगों को आइडिया हुआ कि डी आई बाई डी टी उसने कैसे इंप्लीमेंट किया, ये वाली जो इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल वाली उसने इंप्लीमेंट कैसे किया। डी थीटा बाय डी टी पे भी कमेंट होना बाकी है कि वो नीचे से कैसे आ गया, वो भी मैंने समझाना है। सो ये जो उसने इक्वेशन पूरी इंप्लीमेंट की है, ठीक है, तो उसके लिए आप कर क्या रहे हैं कि ये जिन ब्लॉक्स में से गुजार रहे हैं आप लोग, ये गेन के ब्लॉक्स हैं, ये गेन के ब्लॉक्स हैं। जैसे आपने इंटीग्रेटर वगैरह इंसर्ट करके लाए थे, सो आप वैसे ही गेन का जो ब्लॉक है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, उस पर डबल क्लिक करके उसके अंदर आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे उसके अंदर आप 5 लिखें, चाहे उसके ऊपर 1 ओवर एल लिखें, चाहे जे लिखें। सो आप क्या कर सकते हैं, आप गेन का जो ब्लॉक है उसको आप जो है वो एडिट कर सकते हैं। सो गेंस के ब्लॉक आप ऐड करें, और एक आपने एडर अभी इंसर्ट किया, और बाकी सारे गेन के ब्लॉक्स हैं जिन जिन में से आपने गुजारना है। अब उन पर डबल क्लिक करके आप अपनी मर्जी से उनके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, चाहे 1 लिखें, चाहे 1 ओवर एस लिखें, कुछ भी लिखें। सो वो आप काम कर सकते हैं। सो एट द मोमेंट क्या है कि ये चीज़ें आपने की, इसमें किसी को कोई इशू वगैरह, इस पर भी क्वेश्चन बाकी है कि डी थीटा बाय कैसे हो। जी ना, वेरी क्विक वे, अगर किसी को कोई इशू है तो वो बताए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूं। अच्छा, इसी तरह अब हम देखते हैं कि अब हम थोड़ा जेन शीन करते हैं मैकेनिकल वाली इक्वेशन को कि वो उसने कैसे किया। ठीक है, ये मैकेनिकल वाला पोर्शन है। अब इसमें मैकेनिकल वाले पोर्शन में आपको पता है कि के टी एक कांस्टेंट है, वो आई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और बी डी थीटा बाय डी टी, बी इसमें डैम्पिंग रेशियो है, और 1 ओवर जे इनर्शिया का कांस्टेंट। तो ये कुछ चीज़ें हो रही हैं, मुझे जो प्रीवियस प्रैक्टिस है वो देख के लग रहा है कि ये जो दो चीज़ें हैं उनको मैं एडर के थ्रू एक प्लस वाले सिंबल में चली जाएगी और एक माइनस वाले में, ये प्लस में चली जाएगी एडर के, और ये एडर के माइनस में चली जाएगी। ठीक है, और आई मेरे पास पहले भी था क्योंकि मैंने डी आई बाई डी टी की इक्वेशन इंप्लीमेंट की थी, तो उसको मैं जब इंटीग्रेटर से गुजारता हूँ मेरे पास आई होता है, तो वो मुझे आई वहाँ से मिल जाएगा। 1 ओवर जे का एक ब्लॉक मैं ऐड कर लूँगा, जैसे मैंने 1 ओवर एल का गेन का ब्लॉक ऐड किया था, और ये बी डी थीटा बाई डी टी जो हैं ये भी एक मेरे पास बी होगा डैम्पिंग रेशो, और एक डी थीटा बाई डी टी होगा, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इसमें भी मैं गेन यूज़ करूँगा, बी जो है उसको मैं गेन के तौर पे ले लूँगा, और डी थीटा बाई डी टी मेरे पास मौजूद होंगे। ठीक है, सो अब मैं इस जगह पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये वही उसी तरह की चीज़ है कि आपने डी आई बाई डी टी इम्प्लीमेंट किया हुआ था और 1 ओवर एस कर लिया, तो आपके पास आई आ गया,
उस आई को आप एक गेन कोई भी हो सकता है क्योंकि साफ ज़रूर गेन की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको आपने एडर के पॉजिटिव में दे दिया, आपको पता है ये दो वाला एडर है ये तीन वाला है, वजह आपको पता है वहाँ पे कंपोनेंट इतने थे, और जब आपने इसको एडर में दे दिया सारी चीज़ों को, तो अभी आपके पास इस एडर के पॉइंट के ऊपर जो है वो आपके पास ये बन रहा था के आई और माइनस बी डी थीटा बाय डीटी, ठीक है। क्यों बन रहा था? क्योंकि ये डी थीटा बाय डीटी वाले पॉइंट को आपने बी में से गुजारा और वो आपको बी डी थीटा बाय डीटी दे रहा है। अब ये आपने क्वेश्चन देखी है कि जब आप इसको वन ओवर जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि वन ओवर जे के गेन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये क्या बन जाता है, ये थीटा का डबल डेरिवेटिव बन जाता है। मैं थीटा पे दो डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, एक डेरिवेटिव एक को जाहिर करता और एक दूसरे। सो ये आपके पास क्या चीज़ है कि डबल डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा, इसके अंदर चार्जर लगा लो। सो आपने जब इसको वन ओवर जे से मल्टीप्लाई किया, अब ये वो क्वेश्चन था जहाँ से हमने आवाज़ लिया था कि आपको डबल डेरिवेटिव नहीं चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए होता है सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है, स्पीड के लिए। सो उसने किस में से गुजारा है डबल डेरिवेटिव को? डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेटर में से गुजारा है, ठीक है, और इंटीग्रेटर में से गुजारा है तो वो क्या बन गया, वो आपकी स्पीड बन गई है। जब आपने स्पीड को देखना है तो आप भी यही चीज़ लेंगे, ठीक है, और आपको पता है कि उसे जब बी जब उसे डी थीटा बाय डी टी चाहिए था बी से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप देखें उसने इसी को यूज़ करके नीचे बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, और नीचे देखें जो नीचे जा रहा है डी थीटा बाय डी टी बी के साथ मल्टीप्लाई होने, ये जो चीज़ है, ठीक है। सो इस वे में वो इम्प्लीमेंट कर रहा है और इसमें कोई रटा लगाने वाली चीज़ नहीं है, प्रॉपर ये जो है वो जिसमें सारा कुछ हुआ हुआ है, ये कुछ प्रॉपर सारी चीज़ है। अब देखें स्पीड उसने कहाँ से लिया, डी थीटा बाय डी टी से लिया, डबल डेरिवेटिव से नहीं लिया, उसको एक दफ़ा इंटीग्रेटर से गुजार के और उसने जो है वो स्पीड लिया, ठीक है, और ये आपके पास वोल्टेजेस हैं जिसको वो ले रहा, ये पूरी चीज़ है जी। अब ज़ाहरी तौर पर तो इसको अगर ग्रोटा लगाए तो आपको पता है कि वो नामुमकिन है और ऐसा काम तो हम करते नहीं हैं। अब ये वो वे है कि जो कि मैंने इक्वेशंस में से आपको बताया कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब जब मैं अगली लैब में कहीं गलती से कोई पूछ लूँ और आप मुझे उस तरह के जवाब दें जैसे पीछे देते हैं, तो फिर बंदे के ऊपर क्या गुजरती है। सो अभी ये आपके सामने है, किसी को इसमें से पूछना हो। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें एक दो हैं जो कि इट फील्स लाइक के ये थोड़ी पॉलिटिक्स बीच में हो रही है यहाँ पे सिमुलिंक के अंदर। वो किस तरह से कि सपोज आप देखें तो ये डी थीटा बाय वो टू है और ये डी थीटा बाय डी टी लिया हो, तो कोई कह सकता है कि उधर से ही चीज़ें पकड़ पकड़ के वही कर रहे हैं। आपके ख्याल में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वो डी कोई थीटा होता, उसका आप कोई डेरिवेटिव लेते वो फिर स्पीड बन जाती और फिर उसका डबल डेरिवेटिव लेते तो एक्सेलरेशन बन जाती, लेकिन खैर ये जैसे कोई रिकर्सिव चीज़ें होती हैं ये एक दूसरे के अंदर से ही, ठीक है, जैसे आइट्रेशन में होता है कि एक वैल्यू उधर ही पुट कर दो फिर एक नई वैल्यू फिर एक नई, सो ये इवेंचुअली अपने आप से ही कुछ चीज़ें इवॉल्व हो के हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास यही डी आई बाई डी टी बना है, ये करंट का डेरिवेटिव है, उसको हम इंटीग्रेटर से गुजार दिया तो वाई बन गया, ठीक है, एंड इट फील्स लाइक के जैसे चीज़ें उधर से पकड़ पकड़ के ही उधर यूज़ करें, ये इसकी एक नोयत है जो कि एक थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सी लगती है। अदर देन दैट ये पूरी इक्वेशन में से आप बिल्कुल ओपनली इस चीज़ को बगैर अटा लगाए हुए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हाँ, इक्वेशंस का आपको बताना चाहिए। मैंने आपको क्या सिखाया कि हम हाउ टू डेवलप अ सिमुलिंक मॉडल, के जो डेफिनेट सी बात है हमारे सामने इक्वेशन होंगी तो हम सिमुलिंक मॉडल जो है वो बना सकते हैं। सो अब ये जो इसने लिखा हुआ, ये इंटीग्रेटर आपने उस दिन भी लिया होगा लैब के अंदर भी, लैब टू के अंदर भी, क्या ख्याल? अगर मैं इसको इसके अंदर जो वन बायस लिखा हुआ है उसको मैं एस कर दूं तो क्या फिर भी ये इंटीग्रेटर रहेगा? नो सर, ये फिर डिफरेंशिएशन बन जाएगा।
ये फिर डेरिवेटिव के तौर पे बिहेव करेगा। वन ओवर एस बता रहा है कि ये एक ऐसा ब्लॉक है जिसका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो वन ओवर एस है। वन ओवर एस से इसकी ब्यूटी है एज एन इंटीग्रेटर। ये नीचे नाम लिखे होने से कुछ नहीं है, आप चाहे इसको रफीक भी लिख दें एडिट करके, ये करेगा इंटीग्रेशन ही, ठीक है। चाहे इसको मजीद भी लिख दें, नामों से कोई काम फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि उस ब्लॉक के अंदर ट्रांसफर फंक्शन क्या, राइट। क्योंकि जब आपने बाय डिफॉल्ट ये एडर लगाया था तो इसके साथ तो तीनों प्लस के थे, आपने उसको एडिट करके अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली उसको माइनस में भी आपने किया। ये भी जो वन ओवर जेज हैं इनके नीचे आपने नाम रखा हुआ इनर्शिया, इसको चाहे जो कुछ मर्जी नाम रख दो, चाहे इसको युगंडा रख दो, ये वन ओवर जे से उसको मल्टीप्लाई करेगा। द थिंग इज कि ये जो नाम है वो आपने अपनी आसानी के लिए रखे हैं, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाम रखे हैं, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि नीचे इंडक्टेंस लिखा हुआ है तो वो जी कुछ ऐसे ही काम करेगा। मैं अगर इसको वन ओवर एल की जगह को वन ओवर आर करते हैं, इसका मतलब मैं कुछ चेंज करने जा रहा हूँ। सो नाम है सिर्फ आसानी के लिए, काम उनका क्या है जो ब्लॉक्स के अंदर जो फंक्शंस हैं, जो गेन्स लिखे हुए हैं या जो ट्रांसफर फंक्शंस लिखे हुए हैं, उन पे सारी चीज़ें डिपेंड कर रही। सो गॉट इट के क्या चीज़ें अच्छा, अब इसमें कुछ एक दो चीज़ें हैं कि आपने ये ब्लॉक्स वगैरह कैसे लेके हैं, ये आप गेन के थ्रू लेके हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आर वन ओवर एल वन ओवर जे, ठीक है, बी और भी को नहीं आ रहा के, ये वाला के, ये सारे गेन्स के थ्रू आप लेके हैं। ये इंटीग्रेटर आपको पता है पिछली दफ़ा आपने किधर से लाए थे, गेन जो थे उनको मैंने पहले लेबल कर दिया। ये आप ऐड वाला, ये एडर्स हैं, दो वाला लेना, तीन वाला लेना, ठीक है, माइनस करनी, प्लस करनी। और उसके अलावा ये जो वोल्टेज है और ये जो स्पीड है, ये आप इनपुट पोर्ट्स, आपके पास इन और आउटपुट की पोर्ट्स होती हैं, ये आप वहाँ से लेके आए हैं। साथ साथ आपके मैनुअल के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, उसको मैं आपको नोट्स के तौर पर बताता भी हूँ। ये आपके पास है कि आप इनपुट पोर्ट्स किधर से लेके आए, ठीक है, और इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स आप कहाँ से लें, ठीक है। सिमुलिंक के अंदर पोर्ट्स और सब सिस्टम्स और उसके अंदर से आप, अब रह की बात कि इनके साथ ये वोल्टेज और स्पीड की वहाँ पे पोर्ट नहीं होती, वहाँ पे इन वन या आउट वन इस तरह से लिखा होगा, आपने खुद से एडिट किया है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनपुट और आउटपुट से मुराद क्या है, वोल्टेजेस और स्पीड, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड, ठीक हो गया जी। इनपुट पोर्ट्स कहाँ से आ रही हैं, आउटपुट पोर्ट्स कहाँ से आ रही हैं, और जो है गेन्स कहाँ से आ रहे हैं, आप उनको एडिट्स कर रहे हैं अपनी मर्जी से, किसी को के का नाम दे रहे हैं, किसी को आर कह रहे हैं, और आप एडर्स ले रहे हैं, उनको आप एडिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब ब्लॉक बन जाएगा तो फिर हम क्या करते हैं कि इस सारे को सिलेक्ट करके एक चीज़ बना लेते हैं, वो किस तरह से कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये सारी चीज़ देखूँ तो ये किसको ज़ाहिर कर रहा है, ये जिसको मैंने दायरा लगा दिया, ये सारी चीज़ किसको ज़ाहिर करी, कोई ऐसा सिस्टम है जो कि इन पूरी इक्वेशंस के अंदर छुपा हुआ, ये किसी चीज़ के लिए हमने बनाया ना, कोई सिस्टम उसका कोई नाम हो, ये मोटर के मॉडल को, डीसी मोटर के। तो अगर मैं सारे को सिलेक्ट करके एक सब सिस्टम बना के एक डब्बा बना दूँ मोटर का, और उसकी दो ब्रांचेज आपको बस बाहर नजर आए, वोल्टेज और स्पीड, तो प्यारा प्यारा नहीं लगेगा ये चीजें।
क्या ख्याल? ठीक है ये लें जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, अच्छा इसने अच्छा अच्छा लगना कैसे है कि फिर आप वो जो सब सिस्टम होगा उसका नाम रीनेम करके डीसी मोटर रख देंगे। अगेन रीनेम, नाम रीनेम करने से डीसी मोटर्स नहीं बन जाती होती, आपको सारा वो काम करना पड़ेगा जो ऊपर बताया। सो इन ऑर्डर टू सेव ऑल ऑफ दीज कंपोनेंट्स एज अ सिंगल सब सिस्टम ब्लॉक, ठीक है, सो फर्स्ट सेलेक्ट ऑल ऑफ द ब्लॉक्स एंड देन सेलेक्ट क्रिएट सब सिस्टम फ्रॉम द एडेड मेन्यू, ठीक है, नेम द सब सिस्टम डीसी मोटर एंड देन सेव द मॉडल। सो आप उसको सब सिस्टम को डीसी मोटर के तौर पे सेव कर सकते हैं सारे को सिलेक्ट करके। सो ये जो सारा है, ठीक है, इस सारे को आप लोग सिलेक्ट करके, ठीक है, और एक सब सिस्टम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और वो जब सब सिस्टम क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट उसका नाम जो भी सब सिस्ट और मतलब जैसे एक होता है जैसे इन और आउट वन आप लेके, जैसे एडर आप लाते हैं तो उसका नाम एड ए डी वन लिखा होगा ये सेंस में, तो जो बाय डिफॉल्ट नेम होते हैं उसको हम एडिट करके अपनी मर्जी से क्या लिख रहे हैं डीसी मोटर के, वी नोज के ये हमारा सब सिस्टम क्या चीज़ है। अब हम ये बताएं, यही वो चीज़ होती है जो कि सिमुलिंक में ब्लॉक्स बिल्ट इन मौजूद है और हम बड़े खुश होते हैं कि बड़े अच्छे तरीके से उसने वहाँ पर लिखा हुआ। अब एक और मज़े की बात, ठीक है, मैं आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता हूँ कि आप चांद पे पहुँचे लेकिन आप जहाँ पर देखते हैं कीचड़ वगैरह आप उधर छलांगे लगाने की कोशिश करते हैं। अब ये जो बंदे ने एम्पलीफायर बीच में बना के रखा होता है वो हमें तो लगता है कि ओ हो बहुत रॉकेट साइंस है, प्यारे भैया उसमें क्या है कि आप बना लिया आपने एम्पलीफायर, ठीक है, आपने इसी तरह उसके साथ इनपुट पोर्ट्स भी लगा लिए, पता है आपको आप क्या करें, प्यारे भी जब आपके पास वोल्टेज फॉलोअर है तो आप उसका गेन उसके अंदर वन लिख दें, ठीक है, जब आपको पता है कि आप इसको सब्ट्रैक्टर या कुछ और बना रहे हैं इन्वर्टर नॉन इन्वर्टिंग, तो जो इन्वर्टिंग या नॉन इन्वर्टिंग की आपके पास ट्रांसफ़र फंक्शंस हैं वो आपने कहीं सर्किट में ये कहीं पढ़े नहीं है कि इन्वर्टिंग की क्या इक्वेशन होती है वी आउटपुट की या नॉन इन्वर्टिंग की क्या होती है, इस तरह से कोई आइडिया है किसी कोर्स में देखी हूँ कुछ, याद नहीं भी तो कोई मसला नहीं, किसी कोर्स में नाम सुने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज फॉलोअर? हाँ यस सर, सर्किट एनालिसिस में किया है, ठीक है। सो वो वी आउट की कोई ना कोई इक्वेशन थी, वी आउट की जी कोई रेजिस्टेंस जा रही है फीडबैक में, कोई आप कोई आरएफ यूज कर रहे हैं R1 R2 इस तरह से कुछ एम्पलीफायर का जो सर्किट बना होता है, आप उसकी जो वी आउट की इक्वेशन है उसको वी आउट ओवर वी इन कर दें, आपके पास वो एक पूरा ट्रांसफर फंक्शन आएगा, वो ब्लॉक के अंदर लिख दें, ब्लॉक सेव कर दें, तो आप भी माशाल्लाह डिजाइनर बन गए, ठीक है। सो ये अगर कहीं करना हो तो हम इसको और उसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो अगर मल्टीपल काम है कोई लंबी चौड़ी इक्वेशंस हैं तो उसको क्रिएट एज अ सब, उसको एज अ सब, क्योंकि साफ जहर है उसमें आपने देखा होगा उसमें आप रेजिस्टेंसेस ले रहे होते हैं, को आर एफ होती है, को आर वन होता है, आर टू होती है, ऐसा कोई सीन होता है बीच में, ठीक है, समझ लग रही ना बात की कि आप आर आपने उसकी इन्वर्टिंग पिन पर क्या दिया नॉन इन्वर्टिंग पर क्या दिया जो आउटपुट है सम टाइम उसको आप फीडबैक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो आप वहाँ पर कुछ ना कुछ काम जो है वो कर रहे होते, तो आप सब कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि आपको पता हो कि जी डबल डेरिवेटिव क्या होता है और जी सिंगल डेरिवेटिव क्या होता है, महसूस करते हैं थोड़ा सा या महसूस भी नहीं आप करते अपने इलम को, क्या ख्याल है? मुझे तो आज बड़ी शर्मिंदगी हुई है, पता नहीं आप लोगों को खुशी हुई है या नहीं हुई अपना इलम देख के, लेकिन मुझे आज बड़ी एम्बेरसमेंट हुई है कि मैंने इनको 3-4 कोर्स पढ़ाए हुए हैं ये अपने बच्चों को ना, इनको ऊप से मेरे ख्याल से सफ़र शुरू हुआ है। हाँ ऊप थर्मो EDC और ये कंट्रोल की लैब, तो ये हाल है आपका। ओके जी, बाकी आप इन कॉन्स्टेंट्स की जो है ना वो वैल्यूज कमांड विंडो के अंदर दे देंगे, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हैं ना 1/J ये सारी कुछ, ये जब वो रन करेगा तो आपसे पूछेगा ना कि आपने क्या इनको करना है, मतलब साफ जहर डिफाइन नहीं है, जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप वेरिएबल्स को अगर डिफाइन ना करें तो वैल्यू तो आपसे मांगता है ना, क्या ख्याल? सो ये आप कमांड विंडो पे जो है वो इसको लिखेंगे,
सो बाकी इसको एज ए लीनियर सिस्टम करने के लिए कुछ एक दो स्टेप्स हैं इस मॉडल को लीनियर मॉडल करने के लिए, वो आपने कर लेने रन बिफोर द रनिंग। सो आप क्या करेंगे कि आप अपना जो वोल्टेज इनपुट है, ठीक है, सिमुलिंग मॉडल के ऊपर, उसके ऊपर राइट क्लिक करके देन लीनियराइजेशन को चूज़ कर लेंगे, ठीक है। और उसी तरह आप अपने जो है वो स्पीड वाली जो आउटपुट है उसको भी राइट क्लिक करके लीनियराइजेशन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें उसी तरह ही हैं जैसे आपने एल टी ए व्यू की कमांड यूज़ की थी। तो एल टी ए व्यू की कमांड बेसिकली एक आपको एग्रीमेंट दे रही थी कि आपने बाय डिफ़ॉल्ट अज्यूम किया था कि आप लीनियर टाइम इन वेरियंट सिस्टम उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो वहाँ पे भी आपने उसको लीनियर सिस्टम ही अज्यूम करके अपनी कैलकुलेशंस वगैरह की थी। सो बाकी फर्दर आप ये वाली इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करेंगे और आपके पास होपफुली एक रिस्पांस आ जाएगा इसका, और वो उसी तरह ही होगा जैसे आप पहले स्पीड वाली लैब नंबर 3 के अंदर देख रहे थे। कोई ना कोई ऑब्वियसली कोई ना कोई सेटलिंग टाइम होगा, कोई ना कोई राइज पीक, वो आपके ऊपर आ रहा है, मतलब जो डिज़ायर है उसके ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा वो एक बात की बहस है। फिर कौन सी चीज़ है जिसको चेंज करना है, कहीं कोई कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू चेंज करनी है, क्या करना है, कोई कंट्रोलर बीच में ऐड करना है, क्या करना है। सो ये सारी बात की बातें अभी इवेंचुअली आप क्या कर रहे हैं कि आप लैब नंबर 3 के अंदर आपने क्या काम किया था कि जस्ट आपने देखा था कि आपके पास सेटलिंग राइज क्या आ रहा है। फिर वो अलग बात है कि हमने सेकेंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर के तौर पर अज्यूम किया तो हमारा सेटलिंग 2.07 से 2 हो गया और डोमिनेंट पोल को हमने पढ़ा और कुछ इस तरह की चीज़ें। सो एक अलग बहस है। सो इस तरह से हम इजीली अपना जो सिस्टम है उसको बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके साथ साथ स्टेप इनपुट ले लें और स्कोप लगा लें, ठीक है, और आप जो है वो इसको स्टेप इनपुट दे के डबल क्लिक करके आप उस पर जो है वो देख रहे होंगे, ठीक है। सो अगले वाला अभी जो है वो ऐसा वगैरह नहीं करेंगे अगर लैट से आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें नहीं आती। सो आप क्या करेंगे, ये एक उसने कंट्रोलर लगा लिया, ये लैग कंपनसेटर है, ये चैप्टर नंबर 9 की चीज़ें, इसको भी अभी ज़रा देखेंगे। तो ये देखें उसने यहाँ पर क्या कर लिया कि अगर आप ये वो ब्लॉक डायग्राम है जिसको ये नाम लिए बगैर मैं बार बार शायद आपको याद होगा वाइट बोर्ड पर लैब 1-2 में बनाता था, ठीक है, कि एक मोटर है जी जिसमें मैं आपको मिसाल दिया करता था कि 1000 उसकी स्पीड है, पूरी नहीं आ रही, 950 आ रही है, कभी 50 आ रही है, ये याद होगा आपको। बोर्ड पे मैं कुछ चीज़ें बनाया करता था कि ये मोटर है और ये आपके पास कंट्रोलर है, यहाँ पर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे मैं रेफरेंस इनपुट दे देता था 1000, यहाँ पर मैं आपको कह देता था कि टैकोमीटर लगाया और वापस ये चीज़ें जा रही। सो यहाँ पर उसने लैग कंपनसेटर लगाया हुआ जो कि अगर आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं आ रही तो क्या करेगा। अब ये साफ ज़ाहिर है लंबी बातें कि इसके ऊपर उसने 44S प्लस 44 और S प्लस ये ही क्यों लिख दिया, ठीक है, ये उसने ऐसा क्यों लिख दिया और कुछ और क्यों नहीं लिखा। पोल नीचे देखें तो उसमें एक है, जीरोज़ ऊपर देखें तो वो भी एक है, क्यों मतलब इस तरह की चीज़ें लिख रहा है, वो साफ ज़ाहिर है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आप कोर्स में देखेंगे। इस पर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 और 10 है पूरी डिज़ाइनिंग के ऊपर कि हम कंट्रोलर को कैसे डिज़ाइन करते हैं, लैग किस कंपनसेटर किसको कहते हैं, लीड कंपनसेटर किसको कहते हैं, पीआई कैसे बनता है, पीडी कैसे बनता है, पीआईडी कैसे बनता है। सो ये एक पूरी एक डिटेल्ड चीज़ें हैं साफ ज़ाहिर है, इसके लिए थोड़ा और बड़े पैमाने पर होकर सोचना पड़ेगा। सो आज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके लिए इतने ही, ठीक है। अब ये है चूँकि साफ ज़ाहिर है मैंने आपको पहले कहा था कि मुझे आइडिया है कि ये चीज़ें आपकी कोर्स बुक के अंदर या कहाँ कहाँ पर मौजूद होती हैं। सो इसलिए मैं आपको रेफरेंस बीच में प्रोवाइड करता हूँ कि अगर साफ ज़ाहिर आप उसको गो थ्रू करें सो वो आपको वहाँ पर मिल सकती हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसको देख भी लेंगे ऑब्वियसली।
कुछ लोग जिन टंडस के अलावा भी बीच में आए थे कुछ, जो यही है मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई एंट्री किसी ने की है। पार्टिसिपेंट्स का नंबर पार्टिसिपेंट के नंबर को कोई चीज़ नहीं होती, स्टूडेंटों वाला आपने आंसर किया। मिसाल के तौर पे तला रियाज ही ड्रॉप करके कोई और बीच में आ जाए तो उसका क्या मतलब है, क्या ख्याल है? पढ़े लिखे वाला काम करें, क्लर्कों वाला नहीं करें। दस पढ़े में और ज़्यादा पढ़े में पार्टिसिपेंट हैं इतने, नहीं वो तो मुझे आइडिया है, ये तो मैं हल्की आंच पे वैसे पूछ रहा हूँ, तो मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ रही होती है। आप लेट से कुछ 6 दफ़ा आए हैं, बीच में कुछ 7 दफ़ा निकल गए हैं, तो वो पूरा आ रहा होता है कि कितने टाइम के लिए पहली दफ़ा एंट्री मारी, दूसरी दफ़ा किधर निकल गया, तीसरी दफ़ा किधर चला गया, ठीक, कितने मिनट्स बीच में रहे। लेकिन वही बात है ना, वो अपना दिमाग ख़राब करने वाला, थकाओ अपने आप को जब मेच्योरिटी नहीं आनी, क्या ख्याल है? वो मेरे पास एक और क्लास है, उसमें मैं अभी कुछ चीज़ें नोट डाउन की हुई हैं, वो अब नेक्स्ट सेशन में उनको मैंने बतानी है, 8वें सेमेस्टर के लोग हैं। सो वो अपना ही टाइम ज़ाया करने वाली बात है ना, कि उसमें कोई और जब तक मेच्योरिटी नहीं आएगी स्टूडेंट एंड से, जब तक उनको अपने नफे नुकसान का नहीं आइडिया होगा। आप जो उन्हें सोने की अंगूठी भी देते रहे, वो कहेंगे जी सोना हराम है। भाई हराम है तो उसको बेच के कोई और चीज़ ले लो, ज़ेन नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन तोहफा वापस कर देंगे जिस बात ही हो गए, ठीक है। सो वो जब तक दिमाग नहीं यूज़ होगा क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप ज़रा मोहब्बत से आए, अब स्क्रीन शेयर वगैरह करके हल्की फुल्की आंच पे जो है वो ये दिखा दें चीज़ें, तो 10-5 मिनट की ब्रेक ले लें, चलें ब्रेक तो खैर मुझे लेनी चाहिए जो बोलता रहूँ, और फिर वन बाई वन मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों से देख लेता हूँ कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। मैं इसमें क्या करता हूँ कि मैं वेटिंग रूम को इनेबल कर देता हूँ, तो आप लोग जो है वो कितने लोग हैं जो कि इस पे काम करके रेडी रखा उन्होंने, जस्ट रेज योर हैंड्स। वो तो साफ अगर इवेंचुअली चेक करूँगा तो जान छूटेगी आप लोगों की, चाहे जब कभी भी चीज़ें पूरी कभी ना कभी तो होंगी। सो जस्ट रेज योर हैंड्स किचन के पास, क्योंकि आपने स्क्रीन शेयर करनी थी ना, और इस तरह की कमिटमेंट हुई हुई थी। तो जी क्योंकि साफ कर रही है तो मैं वो सारी चीज़ें देखूंगा, फिर ही होगा मेरी गलत आदत भी अगर खड़ा करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये जो मैं बाकी चलो मैं वन बाई वन से पूछ लेता। अच्छा जी मैं आपको वेटिंग रूम मैंने क्रिएट कर दिया। अच्छा जी वैस ने हाथ खड़ा किया था, एस इस्लाम ने और रजुल्ला खान। अच्छा जी मैं वेटिंग रूम क्रिएट कर देता हूँ। सो बाय डिफ़ॉल्ट आप सारे जो है वो मीटिंग को लीव करके दोबारा जब ज्वाइन करेंगे तो आप सारे वेटिंग रूम में चले जाएंगे, ठीक। और उसमें वन बाय वन फिर मैं देख लूँगा कि क्या पूछना, ठीक है। सो अभी एक दफ़ा आप सारे लीव कर लें, तो जब आप दोबारा ज्वाइन करेंगे इसको तो आप वेटिंग रूम में सारे जाते जाएंगे, और वन बाय वन से मैं कॉल कर करके वाइवा कंडक्ट कर लूँगा। So we just leave the meeting and join again. जी हसन इस्लाम करूँ आपके साथ शेयर, स्क्रीन शेयर के राइट्स दूँ आपको।
जी जैन आबिद, क्यों ये कोई काम आपने? सर मैंने किए तो हुए हैं पर मेरा लैपटॉप नहीं है मेरे पास इस वक्त। तो लैपटॉप इस वक्त नहीं है पास से क्या मुराद है थोड़ा एक्सप्लेन सर। वो छोटी सिस्टर के एग्जाम्स है ना वो जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की, तो आज कॉलेज वालों ने स्कूल बुलाया। वो कंट्रोलर एग्जामिनेटर कुछ इस तरह की ऐप है सर, उस पर उन्होंने पेपर देने हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए उन्होंने बुलाया और वो साथ ले गए। हाँ जी लीजा सर, आप आपने नहीं काम किया वो? सर नहीं। लैपटॉप नहीं आपके पास? सर लैपटॉप है सर, वो मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी सर, एक वन वीक से तो मैंने कोई क्लास भी नहीं लिया है सर, मुझे टाइफाइड हो गया था तो मैं आपके सिस्टम में मैटलैब है आपके सिस्टम में? सर मैंने कल ही डाउनलोड किया है मैटलैब आपको। ये सारे टास्क परफॉर्म करके ना इसको नेक्स्ट लैब तक इनको ओके करें, रनिंग मोड में होने चाहिए, इस पे 0% टॉलरेंस है, नेक्स्ट में कोई किसी किस्म का एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ठीक है? इस पे 0% टॉलरेंस है। हाल आपने देख लिया है क्लास का, जितने अच्छा इलम है, और मैं मतलब इस चीज़ को जो है ना वो ठीक है तो ये करें ना ठीक। और सर वो आप वाइबर भी लेंगे साथ, मतलब obviously फेक किस्म की नहीं चीजें होंगी, काम की चीजें होंगी। नहीं नहीं सर, मतलब परफॉर्मेंस की तो चले आप लेंगे, मतलब जिस तरह आपने पहले ली थी वो? भैया बिल्कुल हर एक चीज अच्छे लेवल पे मैं चेक करूंगा, वाइबर परफॉर्मेंस ईच एंड एवरीथिंग, वो जब चेकिंग होगी फिर हल्का हल्का फील होगा सबको जी। सर लैब लेकर लैब टेंटर जो लास्ट लैब्स करवाई हुई है ना वो वाली लैब्स देखिए। ओके सर, मतलब आप वाइवा लैब 3 से लेकर मतलब सारों का लेंगे 3 से 10 तक? यार 3 से 10 मैंने 7 लैबें तो करवाई नहीं है, अब मैं इस पे क्या कमेंट करूं, जो मैंने चीजें करवाई हैं उनका वाइवा लेना है ना, जो ऑनलाइन आपको लैब्स करवाई हुई है, क्योंकि मैंने अब 3 से 10 नहीं करवाई तो इस पे मैं क्या कमेंट करूं। मैं तो एक दिन में एक ही लैब करवाता हूं, 7 लैबें तो मैंने करवाई नहीं है, ठीक है? सो उसमें देखें आप डेली आप पत रही हैं मैनुअल को देखें कि कौन कौन सी लैब्स है, तो इसमें होपफुली 3, 5, 7 होंगी 3 लैब्स, लेकिन ऑब्वियसली इतना फिर पता होना चाहिए कि क्या काम हमने किया हो, ठीक है? हाँ जी वाइवा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, ये नहीं है कि सिर्फ कहीं से मतलब उसको चला के दिखा दिया तो उससे ओके हो जाएगा, वाइवा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, इन सारों से भी मैंने बिल्कुल अच्छे वे में चेकिंग करनी है, क्योंकि पढ़ते नहीं है ये मुझे आइडिया हो चुके हैं, ठीक है? हाँ इसको अच्छे वे में तैयार करें, ठीक है? मीटिंग को लीव कर दिया। जी जुलेखा नवीद,
यस सर। अच्छा आपको स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स दूं, है चीजें अवेलेबल? नो सर, डिसेबल है। क्या मतलब डिसेबल है? नहीं, मैं अगर राइट्स दूं आपको स्क्रीन शेयरिंग के तो आपने काम किया हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जी सर दें। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ कि आपने तो हाथ खड़ा किया था, तो भी आप कह रहे हैं कि अच्छा दे दिए हम राइट्स आपको, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये लैब नंबर 3 है जी सर। ठीक, बाकी भी किए हुए हैं लेकिन सारे कंप्लीट नहीं है, लेकिन किए हुए हैं। अच्छा अच्छा एक मिनट, मैं जरा ना मीटिंग को एंड करके ना दोबारा जरा करता हूँ, स्टार्ट आप ज्वाइन करा, उससे कुछ से फ्री होगा कि ताकि वाइवा का पोर्शन मेरे पास एंड हो जाएगा और दूसरी रिकॉर्डिंग साइट पर, क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी मैंने देनी होती है ना, फिर इंस्ट्रक्शन की रिकॉर्डिंग आप। सो मैं एक दफ़ा मीटिंग को लीव कर रहा हूँ, आप रीज्वाइन कर लेना बिफोर, है ना? ठीक है, ठीक है सर।